देहरादून में कहीं। तो हमने प्लान किया कि हम उसको देहरादून में ढूंढने जाएंगे, बिना नाम पता एक्स वाई जेड कुछ नहीं पता था, और मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा कदम उठा लिया। सब कुछ अचीव होता है, हम जो इमेजिन कर सकते हैं, जो सपने हम देख सकते हैं, अगर हम सपने देखने की काबिलियत हमारे अंदर है तो उसको अचीव करने की भी काबिलियत एक्चुअली हमारे अंदर है वो काबिलियत, एहसास की कमी है, हमें वो एहसास नहीं कि हम उसको हासिल कर सकते हैं। मतलब आप सोच लो कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज आ गई है तो फिर आप पड़ जाओ पीछे। आपको एक एक, एक, एक कहानी मैं सुना देता हूँ। थर्ड ईयर में मैं था कॉलेज में, तो ऐसे मैं कॉलेज से घर आ रहा था, मतलब घर से कॉलेज वापस जा रहा था, तो ट्रेन में मुझे कोई पसंद आ गया। एज ए नीट एस्पिरेंट आपको भी पता है नीट प्रिपरेशन के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आज हम आपके साथ आए हैं दिशा पब्लिकेशन के 34 ईयर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक लेके। इस बुक में आपको क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिससे आप चैप्टर कंप्लीट होने से पहले भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। यह बुक फुल्ली अपडेटेड है और इसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं है। ये बुक में आपको 7 एडिशनल पेपर भी मिलेंगे जो आपको बाकी बुक में नहीं मिलेंगे। हर चैप्टर के एंड में उसके डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके साथ ही साथ उसके वैल्यू एडेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपकी टेक्निक बेटर होगी। ये बुक आपको 3 सब्जेक्ट में अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार लगता है शायद मैंने अपने एफर्ट में कुछ कमी ला दी। एफर्ट में कमी ला दी कहने का मतलब ये कि जो मैंने स्लिप में ये सब चीजें लिखी थी वो इतनी ज्यादा छुपा के मैंने रखी, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद उसको खुद को ही नहीं पता लगा कि मैंने ऐसा कुछ किया है, या ऐसा एहसास मुझको हुआ। तो अब ये भावना जब मेरे मन में आई तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है। मतलब कहते हैं ना कि आप अपने किसी भी काम में, कोई भी टास्क, जिंदगी में कोई सा भी टास्क हो, अपनी तरफ से आपको फुल पोटेंशियल लगाना होता है, उसके बाद अगर रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो आपको उतना अफसोस नहीं होगा। अगर आपने अपनी तरफ से फुल पोटेंशियल नहीं लगाया और आपका रिजल्ट नेगेटिव हो गया, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव हो गया तो बाद में आपको ये गिल्ट बहुत रहेगा कि अगर आपने थोड़ी और कोशिश की होती तो शायद आप भी कर लेते। तो वो भावना मेरे अंदर आई थी और इसकी वजह से मैं उस समय, तो ऑलरेडी मेरा कॉलेज टाइम बहुत गंदा चल ही रहा था और उस समय ये सब चीजें इवेंट्स हुए तो उसने मुझको और ज्यादा हिला के रख दिया, मतलब बहुत गंदी वाली स्थिति में मैं आ गया था। तो उस समय मैंने क्या कदम उठाया आपको बताता हूँ। हमने, हमारे फ्रेंड्स थे कॉलेज वाले, तो उन लोगों ने मुझको किसी तरह से समझाया, और हम लोगों ने प्लान किया कि ऐसा करते उसको ढूंढने चलते हैं, उसको ढूंढने जाने का हमने प्लान किया। तो आइडिया ये था कि जिस ट्रेन से हम लोग आते हैं वो ट्रेन, मैं हरिद्वार में उतरता था और हरिद्वार से रुड़की आना होता था हमारा, और वो जो जिसको देख के मैं पागल हुआ था, तो वो लोग हरिद्वार में नहीं उतरे थे, इसका मतलब वो लोग हरिद्वार में नहीं रहते। मुझे उसके बारे में जो पता था वो मैं बता रहा हूँ, हरिद्वार में वो नहीं रहते। और उसके बाद वो ट्रेन उसके आगे एक अगला स्टॉपेज है जाती है, वो देहरादून था। तो अगर वो हरिद्वार में नहीं उतरे और वो ट्रेन आखिरी स्टॉपेज देहरादून जाती है तो इससे कंक्लूड होता है कि वो लोग देहरादून में कहीं पे पाए जाते होंगे। तो इससे तो मुझको ये पता लग गया कि वो देहरादून में कहीं होंगे। तो हमने प्लान किया कि हम उसको देहरादून में ढूंढने जाएंगे, बिना नाम पता एक्स वाई जेड कुछ नहीं पता था, और मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा कदम उठा लिया कि हम उसको ढूंढने जाएंगे। और ये जब इवेंट मैंने किया तो ये लगभग उस इवेंट से 10 दिन बाद का इवेंट है। और हमने प्लान कुछ ऐसे किया था कि प्लानिंग इस तरह की थी कि दिखने में तो पढ़ने लिखने वाली थी, तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट होगी या किसी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट होगी, समथिंग लाइक दैट। तो हमने देहरादून के कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट किया, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, मेडिकल कॉलेज कौन सा है, और कोई सा कॉलेज कौन सा है, ऐसे प्लान करके हम पहुंच गए। और पहुंच गए फिर उसके बाद प्लानिंग ये थी कि हम कॉलेज के गेट पे खड़े रहेंगे और आगे आने जाने वाले लोगों को देखेंगे और वो दिख जाएगी और फिर बात कर लेंगे, ये प्लान था हमारा। और इस प्लान के साथ हम वहां पे पहुंच गए। और जब हम वहां पर पहुंचे तो मतलब देहरादून से रुड़की दूर है, तो हम लोग शाम को निकले, रात में वहां पर होटल में रुके, अगले दिन मॉर्निंग में सवेरे तैयार व्यार होके कॉलेज के गेट पे पहुंच गए। और फिर उसके बाद जब कॉलेज पे पहुंचे तो देखा कॉलेज में सन्नाटा टाइप का था, पहला कॉलेज देहरादून यूनिवर्सिटी था उस पे पहुंचे, तो वहां पे हमें पता लगा कि आज तो उत्तरांचल का फाउंडेशन डे है, पहला साल था उत्तरांचल बना था और देहरादून उसकी कैपिटल था, तो पूरे उत्तरांचल की छुट्टी थी। और ये प्लान में हमारे था ही नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं था।
तो अब ये बहुत ज्यादा धक्का लगा। अभी तो वैसे ही मैं इतनी बुरी तरह से परेशान था कि यार लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा इवेंट हुआ है और वो मेरी कमी की वजह से, मेरी गलती की वजह से, मेरी कमजोरी की वजह से मैं उसमें दोबारा फेल हो गया। पहले से ही फेल होता जा रहा था और अब मैं एक बार दोबारा फेल हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा पेनफुल था। तो फिर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते थे। अब ऐसे चिल्लाना तो चालू कर ही दोगे कि कहाओ कहाओ, और चिल्ला भी लो, नाम तो पता हो, नाम तो पता हो ना, तब तो चिल्लाओगे। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो डिमोरलाइज्ड, डिप्रेस्ड हालत में कुछ नहीं कर सकते थे, तो चलो फिर वापस चलो। अब वापस चलना, तो वापस चलने के लिए हम लोग वहां देहरादून में स्टेशन की तरफ गए। और स्टेशन की तरफ जब हम गए, मतलब आए तो हम लोग बस से थे, लगभग 75 किलोमीटर से, और वापस जाते समय हम ट्रेन पकड़ के हमने सोचा कि वहां से चले जाएंगे। तो उस ट्रेन पकड़ने के लिए जब हम लोग स्टेशन पे गए, तो वही ट्रेन जो इलाहाबाद से वहां जाती है रुड़की, वही रुड़की से देहरादून, सॉरी देहरादून से इलाहाबाद वो वापस आती है, तो वो ट्रेन वहां खड़ी थी। तो मेरे साथ में मुझे मेरे फ्रेंड्स गए थे जो देहरादून के बारे में सारी चीजें जानते थे, तो उन्होंने कहा, मैंने बताया कि यही ट्रेन थी, इसी में हम लोग मिले थे, तो कहा कि जाके देख लो, शायद वो तुम्हारा कहीं कोई इंतजार कर रही होगी टाइप ऐसे। तो मुझे भी लगा हाँ ऐसा हो सकता है, 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा था कि शायद ऐसा हो सकता है। तो मैं ट्रेन में गया और पूरी ट्रेन छान मारी और कहीं कोई नहीं था, कहीं कोई नहीं था। वो ऐसे भी वो ट्रेन वहीं से चलने वाली होती है और लगभग 1.5 घंटा भी बाकी ही था और वो कोई नहीं था। फिर मैं अपना प्लेटफॉर्म पे आके बैठ गया, मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए थे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, अब सब कुछ खत्म हो चुका था टाइप, इस तरह की सिचुएशन थी। और पूरी तरह से हालत मेरी, मतलब स्थिति ये थी कि बस आंखों से आंसू नहीं निकले थे, बाकी सब कुछ हो चुका था, वो वाली स्थिति में मैं जा चुका था। फिर मेरे फ्रेंड्स मुझको समझा रहे हैं, अरे तुम इतने स्मार्ट हो यार, तुमको तो और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ये वो किसी तरह से करके मुझको, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर इसको नहीं ठीक किया गया तो ये कुछ इसके साथ उल्टा सीधा हो जाएगा, उस तरह की स्थिति में मैं आ चुका था। तो फिर मुझको कहते थे वो देखो सामने देखो, शायद उन्हीं में से कोई ना हो, ऐसे ऐसे करके दिखाते रहते थे मुझे। तो जब वो बोलते थे कि देखो शायद वो उनमें से कोई ना हो, तो उनमें से तो कोई नहीं था, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे की सीट पे ये लोग बैठे थे और बीच में मैं आके बैठ गया, उसी के बैक साइड पे वो लोग थे, उसी के बैक साइड की सीट पे वो लोग थे। और इस तरह से 11 दिन के बाद मैंने उसको दोबारा ढूंढ लिया। तो वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को तहे दिल से चाहते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। तो ये इवेंट मेरे साथ हुआ है 11 दिन के बाद, इतना बड़ा कदम उठाना कि इस तरह से कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स को, मेरे बैचमेट्स को पता था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और ये मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, और मैंने ऐसा कदम उठाया और उस कदम को उठाया, और आज मेरी उसमें शादी भी हो चुकी है, वो मेरी वाइफ है। तो कहने का मतलब ये है, पॉइंट इज कि अगर आप एफर्ट लगाते हो तो आपको नहीं पता कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन आप अगर अपनी तरफ से एफर्ट लगा गए और सही से लगा गए तो जो कुछ भी होगा, आप कभी भी फर्दर उस चीज को लेके आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगा कि यार मैंने कोशिश की होती तो शायद ऐसा नहीं होता। ठीक, तो इसलिए लाइफ में हमेशा इस बात को याद रखो, हमेशा याद रखो कि या तो काम करो ही मत, और या तो करो तो अपनी तरफ से जो मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हो वो लगाओ। ये मैं हमेशा बच्चों को ये सिखाता हूं और इसीलिए कहानी सुनाता हूं, और ये ट्रू स्टोरी है, मतलब इसको कहानी मत समझना, ये मेरे साथ की इवेंट है ये, और ऐसा ऐसा हुआ। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए कई सारे प्रोसेस में, तो इस सब चीजों को लेके मेरा काफी स्ट्रांग फर्म बिलीफ है कि ऐसा होता है। हम चीजों को अब एक पल में, अभी जो मोमेंट चल रहा है उसी में सारी चीजों को देखना चाहते हैं, हमको लगता है कि नहीं दिखाई पड़ रहा इसका मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको एफर्ट लगाते रहना होता है, लगाते रहना होता है। देखो कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो वो एक्चुअली उसको कहने के पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि अगर आप फल को सामने रखते हुए कर्म कर रहे होगे तो आप उस डेडिकेशन से कर्म कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि फल आपको दिखेगा ही नहीं, और आपको दिखेगा ही नहीं और आप डिमोरलाइज होगे, आप डिमोरलाइज होगे तो आपको लगेगा अरे यार वो तो कुछ रहा नहीं है। तो इसलिए इन बातों का खास ख्याल रखना, खास ख्यालों मुझको हमेशा याद रखना कि ऐसा होता है, ये किताबी बातें नहीं है, ये मैंने खुद लाइफ में अपने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने आप को किस स्टेज से यहां तक लेके आया हूं मैं जानता हूं, और मेरा उसमें स्ट्रांग बिलीफ है कि अगर मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है।
अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, बस जरूरत है एहसास की। दूसरों से कंपेयर अपने आप को मत करो, कभी मत करो। दूसरों से कंपेयर कर रहे हो अगर अपने आप को, इसका मतलब आप खुद अपने आप को नीचा दिखा रहे हो, खुद ही नीचा दिखा रहे हो। तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए। कोशिश करो धीरे 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 धीरे, कोई जरूरी नहीं कि आपने जो एफर्ट लगाया उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, कोई जरूरी नहीं। लेकिन रिजल्ट निगेटिव भी आया तो भी जो एफर्ट आपने डाले हैं वो किसी ना किसी रूप में लाइफ में आपको उसका आउटपुट दिखने वाला है। वो किस रूप में दिखेगा ये आपको नहीं पता, लेकिन दिखाई जरूर देगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना।